हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का ये लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद में एक ऑयल एंड पाइपलाइन वाला पढ़ेंगे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो रहती है। लेकिन आप जैसे देखोगे तो मेजर डोमेन जो थे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और ये एयर ट्रांसपोर्ट तीसरा डोमेन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एयर ट्रांसपोर्ट बेसिकली हवा के रास्ते जब आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सिंपल, फाइन। तो वही चीज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको ढेरों फीचर्स जैसे स्पेशल क्लास, नोट्स, क्विज, स्कॉलरशिप एग्जाम्स, ये सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर? चलिए, तो ये रही हमारी कहानी। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फास्टेस्ट मींस ऑफ मूवमेंट जो रहेगा वो आपका एयर ट्रांसपोर्ट रहेगा। इट हैज रिड्यूस्ड डिस्टेंस बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैवल टाइम। एयर ट्रांसपोर्ट ने क्या करा है, डिस्टेंस को रिड्यूस करा है। कैसे कैसे डिस्टेंस को रिड्यूस करा है, कि जो ट्रैवल टाइम रहता है वो बहुत कम हो जाता है एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से। आप एक से डेढ़ घंटे में हजारों किलोमीटर जो है ट्रैवल कर जाते हो। ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट है एयर ट्रांसपोर्ट के साथ में। एयर ट्रांसपोर्ट के साथ में वो एक प्लस पॉइंट है। इट इज एसेंशियल फॉर अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया वेयर डिस्टेंस आर लार्ज एंड दी टेरेन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर डाइवर्स। ठीक है, और इंडिया जैसे देश में एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत एसेंशियल हो जाता है। जैसे आप देखोगे क्या, जहां पे वास्ट लैंड साइज है हमारे पास में, वी आर दी सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, उसी के साथ साथ में ट्रेन भी डिफिकल्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप जाओगे तो जंगल ज्यादा है, नदी है, पहाड़ है, तो वहां पे ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेहतर सूटेबल रहता है। क्लियर हुआ? तो और इसके साथ साथ फिर उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो फास्टेस्ट भी है, वो एक एडेड एडवांटेज रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर हुआ? एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया अगर देखा जाए तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अब बिगनिंग इन 1911 व्हेन एयरमेल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन अलाहाबाद एंड नैनी। ठीक है, अलाहाबाद के पास में ही एक कह सकते हैं ट्विन टाउन है अलाहाबाद का, नैनी के नाम से अब तो जुड़ गया होगा, और ठीक है एकदम उसी में एक कॉलोनी बन गया होगा। तो 10 किलोमीटर का ही डिफरेंस था। पहली बार इंडिया में जो हेलीकॉप्टर मतलब जो एयरमेल उड़ा, ठीक है, एयरवेज का जो पहली बार ऑपरेशन देखने को मिला, वो 10 किलोमीटर के लिए चला था इस डिस्टेंस में, 10 किलोमीटर के इस डिस्टेंस में चला था। बट इट्स रियल डेवलपमेंट टू प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। लेकिन जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का कह सकते हैं ना, वास्तविक रूप से जो डेवलपमेंट देखने को मिला तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में हुआ। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के एयर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशियंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द इंडियन एयर स्पेस। ठीक है, आप यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है कि एक सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है इंडियन एयर स्पेस में प्रोवाइड करें, ताकि इंडियन एयर स्पेस में डोमेस्टिकली बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो सके, एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाई जा सके। द अथॉरिटी मैनेजेस 125 एयरपोर्ट। तो द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 125 एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 125 एयरपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। 125 एयरपोर्ट्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज मैनेज्ड बाय एयर इंडिया। देखो पहले क्या था, एयर इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, अब अभी क्या हो रहा है, बुक में वही मैं कह रहा हूँ, बुक थोड़ी सी आउटडेटेड चलती है। अब आज के समय में क्या है, एयर इंडिया फिर से क्या आपको देखने को मिल रही है, टाटास के पास चली गई है, तो बैक होम, क्योंकि वो एयर इंडिया पहले थी भी टाटास की ही। क्लियर हुआ? तो उस तरह से एयर बेसिकली, लेकिन ये बीच का जो टाइम पीरियड रहा है 1953 के बाद का, तो उसमें क्या है, एयर इंडिया जो है, तो एयर इंडिया नेशनलाइज करके एयर इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी जो पूरे ऑपरेशंस को संभालती थी। हाउ मेनी प्राइवेट कंपनी, नाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज। तो आज आप देखोगे उसके अलावा, ठीक है, इंडिगो, स्पाइस जेट वगैरह, ऐसी बहुत सारी दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी है जो एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक। ठीक है, तो पैसेंजर्स और कार्गो दोनों, सामान के लिए और इंसान के लिए, दोनों के लिए ही क्या है, आपको एयर सर्विसेज देखने को मिल जाती है। एयर इंडिया के साथ साथ दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इट कनेक्ट्स ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विसेज। ठीक है, एयर इंडिया में आप देखोगे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है। सम प्राइवेट कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऑपरेशंस टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी फॉरेन कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया है। अगर आप हिस्ट्री समझोगे तो बेसिकली हिस्ट्री ऐसी है कि 1911 में एयर ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया में, ठीक है, ये लॉन्च ही हुआ था। कहां से? अलाहाबाद से नैनी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अलाहाबाद से नैनी पहली बार क्या है, एयरमेल ऑपरेशंस हुए थे।
ठीक है, मैसेज पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था फास्ट, वो एक एक्सपेरिमेंट था। फाइन, 1947 में क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय फोर मेजर कंपनीज। 1947 जब आजादी मिली तो चार मेजर कंपनीज थी, इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवेज। ठीक है, डेक्कन एयरवेज। उसके बाद में क्या होता है, 1951 में चार और कंपनीज ऐड हो जाती है, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंग एयरलाइंस। कलिंग एयरलाइंस बहुत पुरानी है, क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से चार और ऐड होती है, लेकिन 1953 में सबको चौपट कर देता कौन, गवर्नमेंट क्या करती है, एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर देती है। ठीक है, और टू कॉर्पोरेशन उस समय में निकल के आती है, एयर इंटरनेशनल, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, ये दो कॉर्पोरेशन निकल के आती है। तो नाउ इंडियन एयरलाइंस इज नोन एज इंडियन, इंडियन एयरलाइंस को अब क्या कहा जाता है, इंडियन के नाम से भी कहा जाता है। तो दिस वॉज दी हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की पूरी हिस्ट्री बता दी। अगर आप डोमेस्टिकली देखोगे ना इंडिया में क्या स्थिति है, तो इन 2010 और अब आज 2022 में हम पढ़ रहे हैं 2010 के डेटा को, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया इतने समय में। लेकिन आपको यह ध्यान रखा कि 2022 में स्थिति यह है कि बहुत सारे लोग अब ट्रांसपोर्ट करने लगे, एयर ट्रांसपोर्ट भी क्या हो गया, कॉमन वो हो गया है। ठीक है, कॉमन कह सकते हैं, क्या कॉमन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में जाएगा। पहले तो ऐसा था कि जीवन में लक्ष्य लोगों का होता था कि एक बार हेलीकॉप्टर में उड़ दे, मतलब एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल कर ले हम। ठीक है, तो इन 2010 डोमेस्टिक मूवमेंट इन्वॉल्व 520.21 लाख पैसेंजर्स एंड अबाउट 23 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। ठीक है, तो ये इतना क्या था, वॉल्यूम था ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू एयर। फिर क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक हेलीकॉप्टर सर्विसेज पवनहंस लिमिटेड जो है, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है पवनहंस, तो पवनहंस इज द हेलीकॉप्टर, ये रहा पवनहंस इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज एंड इज वाइडली यूज्ड बाय टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में टूरिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में इमरजेंसी केसेस में, या फिर कह सकते हैं सिविलियंस के लिए भी सब्सिडाइज रेट पे आपको क्या देखने को मिलता है, एयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जियोग्राफिकली वो लिमिटेशन है कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो ना, तो ये कारण रहता है। इन एडिशन पवनहंस, लेकिन इसके अलावा भी क्या है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है पवनहंस, इसके अलावा क्या करता है, जो पेट्रोलियम सेक्टर है ना, तो जिसे ONGC वगैरह जो है, तो उसको भी सर्विस प्रोवाइड करता है और टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पवनहंस लिमिटेड। क्लियर हुआ? तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक जो है आपका, वो कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन में ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, पाइपलाइन के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो होती है, तो पाइपलाइन लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। इंडिया में क्या स्थिति है, वो सारा सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है आपको, पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।